गाइज जस्ट इन पीस एंड यू आर वॉचिंग लिसनिंग बीट। तो गाइज आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम रोमन रेंज के बारे में। आपने जैसे देखा रोमन रेंज ने किस तरह इमोशनल सेगमेंट या स्पीच दी, स्पेशली जो यस्टरडे जो मंडे नाइट रॉ हुई थी, उसके बाद बैक स्टेज में क्या क्या सेगमेंट्स हुए, किस किस से वो मिले, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं सबके बारे में तो बने रहिए मेरे साथ, आप देखें लिसनिंग बीट, हियर वी गो। तो गाइज आपने देखा यस्टरडे मंडे नाइट रॉ में किस तरह इमोशनल सेगमेंट दिया है रोमन रेंज ने। द फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन ने कहा कि 11 साल से मैं ल्यूकेमिया से लड़ रहा हूँ और फिर से ये जो ब्लड कैंसर है वापस आ चुका है। वैसे अगर आप नहीं जानते स्पेशली क्या है ल्यूकेमिया, कब यहाँ पे रोमन रेंज रिटर्न करेंगे, तो आप देख सकते हो मेरे चैनल पर, मैंने ये दो ऑब्वियसली टू वीडियोज़ बनाई हुई हैं इसके बारे में, सो यू कैन चेक इट आउट ऑन माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बैक स्टेज क्या हुआ। इतने बड़े स्टेटमेंट के बाद, इमोशनल स्टेटमेंट के बाद, स्पीच के बाद यहाँ पे रोमन रेंज बैक स्टेज गए और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी, यहाँ पे बोली। ऑब्वियसली उनकी आंखों से दिख रहा था कि किस तरह वो कितने कितने शॉक हैं और किस तरह वो उस चीज़ से गुजर रहे हैं। दूसरी बार जैसे वो बैक स्टेज गए, सबसे पहले वो ट्रिपल एच से मिले। ट्रिपल एच से मिलने के बाद यहाँ पे वो शॉन माइकल से मिले। शॉन माइकल्स ने दोनों ने उन्हें गुड लक हग दिया एक तरीके से और उन्हें कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपके पास एक और सबसे बड़ी फाइट है ल्यूकेमिया से लड़ने की। उसके बाद वो बहुत सारे वुमेन से लड़े यहाँ पे मिले, स्पेशली वुमेन से नेटालिया थी, मारा राउजी थी, निकी पहला थी, बहुत सारी वुमेन से साथ मिले और उन्होंने हग भी किया और गुड लक विश दिया उन्होंने कि आप जल्दी वापस आओ, स्पीडी रिकवरी हो। उसके बाद बहुत सारे जैसन जॉर्डन टाइटल होनी और बहुत सारे सुपरस्टार इंक्लूडिंग ब्रॉन स्ट्रोमन द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवल इन द रिंग एंड वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड इन द रियल लाइफ ऑफ रोमन रेंज, उनसे भी ब्रॉन स्ट्रोमन से भी मिले वो। तो बहुत सारे सुपरस्टार्स थे और एंड में उन्होंने थोड़ा जो माहौल था उसे ठंडा करने की कोशिश करी, उन्होंने एक फनी वे में एक जोक भी मारा, बट उनकी आंखों में नज़र आ रहा था किस चीज़ से वो गुजर रहे हैं दूसरी बार वो भी अपनी लाइफ में। सो बहुत सारी चीज़ें हुई, आप देख सकते हैं पिक्चर्स में किस तरह यहाँ पे वो किन किन सुपरस्टार से मिले। तो ये सब हुआ था बैक स्टेज सेगमेंट में, बहुत सारे सुपरस्टार से वो मिले थे, इमोशनल सेगमेंट हुआ था और सीरियसली कई लोगों की आंखों में आंसू भी आ गए थे। तो ये सारी चीज़ें हुई थी बैक स्टेज में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि मेरा सिर्फ यही मोटिव था कि बैक स्टेज बताऊँ क्या क्या हुआ था, अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। मैं बोलूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डू व्हाट एवर यू वांट टू डू, बट जस्ट डोंट फॉरगेट टू सी स्मैक लाइव एंड NXT ऑन WWE नेटवर्क और ऑन 10 Sports 1।